हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब आप लोग? होपफुली कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, बिल्कुल खैरियत से होंगे। सो हियर इज अ पठान्स डॉटर एंड नाउ यू आर वाचिंग टू माय चैनल, सो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आज मैं आपको बताने वाली हूँ एक्नी के लिए होम रेमेडी, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा ऑन योर फेस, तो इंशाल्लाह यू विल गेट बेटर रिजल्ट्स। सो गाइस, सबसे पहले हम जो है वो एलोवेरा जेल का यूज़ करेंगे। याद रहे, एलोवेरा जेल जो है वो किसी अच्छी कंपनी का हो, ओरिजिनल हो। तो यहाँ मैं सईद गनी वालों का एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ, जो बिल्कुल प्योर है, और इसको मैंने काफ़ी यूज़ कर लिया है। ये जो है वो आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल हाफ हो चुका है। सो गाइज़, ये एलोवेरा जेल जो है वो हमारे फेस के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। इसके ऊपर डिटेल्स मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में दे चुकी हूँ। एंड देन हमें कोई भी वाइट टूथपेस्ट यूज़ करना है, कोई भी टूथपेस्ट आप ले लें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। तो वाइट टूथपेस्ट का यूज़ करना है, एलोवेरा जेल का यूज़ करना है। देन आपके जहाँ अभी एक्नी हो, आपको उसके ऊपर अप्लाई करके छोड़ देना है। जितने भी हमारे जो है एक्नी होते हैं वो बिल्कुल इससे ख़त्म हो जाते हैं। ये मैंने भी अपने फेस पर अप्लाई करके जो है वो ट्राई किया है, सो मुझे अच्छे रिजल्ट्स नज़र आए। सो मैंने कहा अपने व्यूवर से भी ज़रूर शेयर करूं। सो यहाँ पर मैं एलोवेरा जेल ले रही हूँ। याद रहे, हमें इसका पेस्ट बिल्कुल बनाकर नहीं रखना है, जो है वो बिल्कुल हमें जब भी लगाएं तो मीन्स के डे में एक मरतबा जो है वो हम इसको बना लें, दिन सुबह और शाम इसको यूज़ करना है। जहाँ पर भी आपके एक्नी हो, पूरे फेस पर आपको अप्लाई नहीं करना है। वैसे भी बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मियाँ हैं, तो गर्मियों में वैसे भी गर्ल्स की स्किन पर और जो है वो बॉयज़ की स्किन पर जो है वो एक्नी निकल आते हैं, ऑयली स्किन वालों के लिए ख़ास तौर से। सो मेरी भी ऑयली स्किन है, सो इसीलिए मेरे भी दो चार जो है वो एक्नी निकल आते हैं। सो इसको मैं अप्लाई करती हूँ तो बिल्कुल जो है वो बिल्कुल हमारा एक्नी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और उसके बाद वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है। सो ये आपको इतना बनाना है कि आपका जो है वो एक दिन चल जाए सुबह और शाम, आपको दो तीन दिन या वीकली आपको बनाकर नहीं रखना है, ठीक है जी। इसको फ्रेश बनाएं, फ्रेश लगाएं। सो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एलोवेरा जेल यूज़ किया है, आप अपने आइडिया से ले लें। और यहाँ पर मैंने वाइट टूथपेस्ट का यूज़ किया है, वाइट टूथपेस्ट लिया है और प्योर एलोवेरा जेल यूज़ किया है। सो गाइज, यहाँ पर इसका जो है वो ये लिक्विड फॉर्म में जो है वो रेडी हो चुका है। अब इसको हमें क्या करना है, आपके फेस पर जिन गर्ल्स के लिए, जिन जो है वो बॉयज़ के फेस पर ऑयली स्किन जो है होती है, जाहिर है ऑयली स्किन वालों के ज़्यादा पिंपल्स निकलते हैं, तो जिनके भी एक्नी होते हैं फेस पर, उस एक्नी पर आपको जो है अप्लाई कर लेना है। देन आप 3 to 4 hours या 2 to 3 hours इसको छोड़ दें। इस तरह से आपको एक्नी पर अप्लाई कर देना है, देन इसको ड्राई करने के लिए आपको छोड़ देना है। ये आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये टूथपेस्ट और एलोवेरा जो है ये एक्नी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त होता है, तो इसको आप यूज़ करें और ड्राई हो जाए। फिर भी आप इसको ड्राई, तो वैसे भी ये 10 to 20 minutes में हो जाता है, फिर भी आप इसको 1 hour जो है लगाकर छोड़ दें, या 2 hours 3 hours जैसे आपके पास टाइम हो। या आप ऐसा करें, नाइट में इसको लगाकर छोड़ दें पूरी नाइट जो है, देन सुबह उठकर आप फेस को वॉश कर लें, तो इससे ये होगा कि आपके एक्नी जो होते हैं ये ज़्यादा, जो गंदे एक्नी हमारे फेस पर निकल आते हैं या जो फेस पर जो ऑयल रहता है, ऑयल की वजह से एक्नी निकल आते हैं, उस पर ट्राई करेंगे तो वो एक्नी बिल्कुल जो है वो हमारा ड्राई हो जाएगा। और आप इसको डेली रूटीन में यूज़ करेंगे तो वो एक्नी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। और बाकी जो जिनके वैसे ही एक्नी रहते हैं या जिनके वैसे ही जो एक्नी के निशानात हैं, तो मैं अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर जो है वो सीरम का बता चुकी हूँ, वो सीरम ज़रूर अप्लाई कीजिए। एंड ये एक्नी के निशानात को जो है ख़त्म नहीं करता है, ये एक्नी को हमारे ड्राई कर देता है, जिससे हमारा फेस गंदा नहीं लगता। देन जो है ये मैंने ड्राई करने के लिए छोड़ दिया था, ड्राई हो चुका है। ड्राई होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको वॉश कर लेना है। अभी मैं वॉश करके आती हूँ, देन मैं आपको दिखाती हूँ। सो गाइज, इस तरह से मैंने वॉश कर लिया है, और उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, फेस को जब आप वॉश कर लें तो आपको रोज़ वाटर का स्प्रे कर लेना है। देन उसको फेस पर इस तरह से आप फिंगर से जो है वो टैप कर लें, और रोज़ वाटर जो है वो स्किन को फ्रेश रखता है, आपकी स्किन पर जो है वो पिंपल निकलने नहीं देता है। आप मेकअप करें या कोई भी स्किन प्रोडक्ट यूज़ करें, उससे पहले और उसके बाद में रोज़ वाटर जो है लाजमी यूज़ कीजिए, उससे आपकी स्किन फ्रेश रहती है। सो गाइस, टेक एन एक्सपीरियंस के ऑफ योर सेल्फ एंड गिव माय वीडियो अ ह्यूज थम्स अप। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।